आर्टिस्ट थे उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि रियल क्राउड में शूट करना है, सब स्माइल कर रहे हैं, आप इंटेंस सीन दे रहे हैं तभी वो स्माइल कर देते हैं और कुछ बीच में बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं चेतना भंग होती है। लेकिन ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस था लाइव लोकेशन में शूट करना। और फाइनली आज हम मूवी रिलीज़ कर रहे हैं और आप सब आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आपको कैसी लगती है मूवी, आप ये ज़रूर बताइएगा। हमने अपना दिल, अपनी जान, अपनी रूह, अपना खून सब कुछ लगा दिया इस पर, अब आप पर है, आपको कैसी लगती है ये मूवी? सर, ट्रेलर में हमें बहुत प्यार मिला है जनता का, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा प्यार मिला है। और कुछ ही घंटों में हमें लाखों व्यूज़ मिलने लग गए थे, अब लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है मूवी से। और हम तो अब अपना काम कर चुके हैं, अब जो जनता चाहेगी वो रिज़ल्ट होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सी सस्पेंस मूवीज़ देखी है, बहुत से मैंने कैरेक्टर्स देखे हैं पुलिस वाले, मेरे लिए ये यशवंत गौर जो ये कैरेक्टर है, ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा में बस चुका है। मैंने बहुत मेहनत की है इस कैरेक्टर के लिए और ये जो मूवी है सस्पेंस थ्रिलर, ये बहुत मज़ेदार मूवी है और बहुत बढ़िया सस्पेंस है जो आपको हर 10 मिनट में एक ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आपके सामने आएगा और आपके दिमाग को हिला देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो एक ये बहुत ही प्यारी हिंदी सिनेमा में न्यू स्क्रिप्ट के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर बन गई है, तो अब आप देखिएगा और जैसा आपका व्यू हो हमें बताइएगा। थैंक यू। फीलिंग है इस वक्त, नर्वस भी कह सकते हैं, सरप्राइज भी कह सकते हैं और हैप्पी भी कह सकते हैं। बस ये कहूँगा कि सर, एक टिकट पे 10 राइड का मज़ा मिलने वाला है, तो आप लोग अपने दिमागी कसरत भी कीजिए, अपना दिल भी खोलिए, शिद्दत भी दिखाइए और कंटेंट और स्टोरी के लिए सर ये फिल्म जाकर ज़रूर देखिए सर, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी सर जब से ट्रेलर आया उसके बाद जिससे जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया सर, करीब 3 मिलियन पे व्यूज़ आ गए थे कुछ ही घंटों के अंदर। और मुझे लगता है कि सर एक बारी जब फिल्म ये ओपनिंग लेगी, कल जब ये रिलीज़ होगी उसके बाद सर ये और तेज़ी से उठेगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पे ये फिल्म सर उठनी ही उठनी है। इसका कंटेंट, स्टोरी, इसका कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, सब कुछ बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। एक्साइटेड हूँ इस समय और नर्वसनेस भी बहुत है मेरे में, लेकिन फिलहाल इस समय जो मेरे साथ इस समय लोग खड़े हैं, चाहे वो कास्ट एंड क्रू है, आप लोग हैं, वो बहुत हौसला दे रहे हैं इस समय मेरे को। मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ एंड आई रियली होप कि जब ये फिल्म जब कल पर्दे पे आएगी, हम धमाल मचाने वाले हैं। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है लव स्टोरी के साथ, तो धमाल तो पक्का है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक बॉक्स के अंदर ना बहुत सारे पटाखे हैं हमारी फिल्म के अंदर, रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है हमारे पास जो बहुत टाइम से मिसिंग लग रहा है हमारे को। ऑडियंस से, ऑडियंस जब भी बोलती है कि एक सिनेमा जो हिंदी सिनेमा है उसके अंदर ना बहुत टाइम से एक अच्छा कंटेंट नहीं आया, एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं आई दृश्यम के बाद, तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं पहुँचने वाले हैं उस जगह पर। थैंक यू। थैंक यू। और आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, आज हमारी फिल्म का प्रीमियर है और कल आप सभी देख पाएंगे इस फिल्म को। और हमें बहुत जल्द सभी से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, क्योंकि सभी इस फिल्म को बहुत पसंद करने वाले हैं, हम 200% श्योर हैं, बिकॉज बी इट रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर, सब कुछ है इस फिल्म में, इट्स अ मास्टरपीस एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। आप हमें ढेर सारा प्यार दें और इसी तरह हमें पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बेस्ट विशेस दीजिए, दैट्स ऑल आई जस्ट वांट टू से, थैंक यू। होप सो के सब कुछ सबको पसंद आए, जितनी हमने मेहनत करी है डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, सर ने, हम सब ने, आई होप के सब ऑडियंस को बहुत अच्छी लगे एंड थैंक यू सो मच। हम सब ने उतनी ही मेहनत करी है जितनी यू नो आप लोग, हम सबको देखेंगे जब फिल्म देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है सबने और सारे के सारे दिल्ली के आर्टिस्ट हैं और दिल्ली के लोग हैं, तो आई होप सबको पसंद आए, आई विल फील प्राउड टू कम एट सच अ बिग लेवल। सो या, और बस हाँ जी, अगर उन्हें कहा है शायद उन्हें मेरे काम से खुशी होगी और मैं उनका बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस प्रोजेक्ट से जोड़ा। थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मूवी के बारे में बेहतर राम जी बता सकते हैं पहले।
सर मूवी तो अब कुछ ही देर रह गई है देखने के लिए, देख के पता लगेगा आम है क्या आप। बस थोड़ी देर और आ जाएगा। हाँ जी सर, थोड़ा बहुत तो है बट हाँ आशा है कि आप सबको अच्छी लगेगी पिक्चर, और मैं कहूँगा आप सब प्यार दें, बाकी सब आपके ऊपर है। बहुत अच्छी मूवी है, रियल स्टोरी पर बनी हुई है और पूरी फैमिली और बच्चों के साथ देख सकते हैं आप। अभी मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी प्राउड होगा कि बहुत अच्छी मूवी बताई है, बहुत अच्छी स्टोरीज है और एक सस्पेंस थ्रिलर है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोगों का जो फैसला होगा वो शायद हमारा जीवन बना सकता है। मैं सबको बोलूँगा जब प्लीज़ जाइए आप देखिए मूवी, मूवी में बहुत अच्छा सस्पेंस मिलने वाला है आपको और आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। और जो मैंने इसमें करेक्टर किया है, मेरा नाम बख्शी है इसमें और इनका नाम मंगत है और ये हैं बाबू भाई इसमें, इस फिल्म में राइट। दिस करेक्टर इज दिस विलेन और हम लोग हेड कॉन्स्टेबल सूरी साहब के जो यशवंत साहब हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाले चौबे जी हम मंगत जी मंगत जी एंड आर ठीक है बख्शी साहब ठीक है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लव यू थैंक्स। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। इतना बड़ा दिन है हम लोगों के लिए कि बहुत मेहनत लगी है एंड आई होप वर्डिक्ट, ऐसा लगता है ना जैसे 12th के एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है ऐसे हमारा आज रिजल्ट आने वाला है। तो आई होप जितना हमें पसंद आया ऐसे ऑडियंस को पसंद आया। सिर्फ इनफैक्ट एक्टर्स को भी नहीं पता है कि ओहम है क्या, कुछ ही लोगों को पता है, आज शायद सबको पता लग जाएगा। कल हमारी ओपनिंग है मूवी की तो तब तक सभी को पता लग जाएगा। हाँ जी, हर फिल्म का अपना जॉनर होता है, हर फिल्म एक अपने तरीके से बनी होती है और हर फिल्म की अपनी डेस्टिनी होती है। सो किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं हमेशा ये चाहूँगी कि हर पिक्चर में बहुत एनर्जी, बहुत प्यार, बहुत पैसा, बहुत सब कुछ लगा होता है तो सारी पिक्चर चलनी चाहिए। उसके बारे में पता लगना वाला, सस्पेंस मूवी है हमारी और ये बहुत सस्पेंस मूवी का ना ये बहुत बहुत छोटी सी बात होती है, कहीं ज़रा सा भी कहीं लीक हो गया तो मूवी हमारी फिनिश हो जाती है। सो आई होप अभी तक कहीं से कुछ लीक नहीं हुआ है और जहाँ तक मेरे नाम का सवाल है ओहम है क्या, वो आज पता लग जाएगा आप सब। 100% श्योर हूँ मैं कि क्योंकि अगर मैं श्योर नहीं होंगी तो मेरी बात आप लोगों तक पहुँचेगी नहीं। सो आई एम फुल्ली कन्विंस्ड दैट यस आ मूवी वी विल स्टील द हार्ट्स। आप लोग प्लीज़ 26 से जो मूवीज़ आ रही हैं हम लोग आ रहे हैं, बहुत मूवीज़ आ रही हैं, आप लोग सब सिनेमा में जाइए, पिक्चर हॉल्स में जाइए और आप हम सबको हिट बनाइए बिकॉज मेरी मूवी का की जो स्टोरी है वो हीरो है। सो उस हीरो को प्लीज़ आप सुपर हिट कराएं 26 को हमारे सिनेमाज में। क्या हाल है? कास्ट को बुलाया? हाँ हाँ आओ ना, आ जाओ आ जाओ। फैमिली की वजह से ही मैं हूँ और ये मूवी भी पापा की वजह से ही है और तो किसी वजह से ये पिक्चर नहीं बन सकती थी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिम। सो इससे मेरा मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, आई गेस इन लोगों को भी उतना ही फील हो रहा है। यस यस जी जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कांग्रेचुलेशंस रिचा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पिक्चर है और बहुत मेहनत करी है रिचा ने, और मैं तो यही कहूँगी कि खुदा नसीब करे इनको इतनी शोहरत, खुदा नसीब करे इनको इतनी शोहरत कि इनके नाम से पहले किसी का नाम ना हो। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया इन्होंने बनाई है ये पिक्चर और सारी सब लोग मिलके इस पिक्चर को बढ़िया साबित करेंगे, यही है कि सब जाए। बिल्कुल जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू।